हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन इम्पोर्टेंट लेंसेज जो आपको कैरी करने चाहिए डेफिनेटली अगर आप पुष्कर कैमल फेस्टिवल 2019 में जाने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइस, ये जो वो लेंसेज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको पुष्कर 2019 जो है कवर करने में। गाइस, मैंने पुष्कर कैमल फेस्टिवल 2019 को लेकर एक डिटेल वीडियो भी बनाया जिसका मैं लिंक जो है आई कार्ड में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है वो वीडियो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप पुष्कर को प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स उसमें शेयर करे हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो पहला लेंस है वो है प्राइम लेंस। प्राइम लेंस यानी कि एक बड़े अपर्चर का लेंस जिसमें आपको अपर्चर 1.8, 1.4, 2.8 इस तरीके का अपर्चर आपको मिले। अब मैं ये आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस देखिए, पुष्कर पड़ता है नवंबर के अराउंड, यानी कि नवंबर में है इस बार जो पुष्कर है, ठीक है। और मॉर्निंग में ब्लू आवर और जो वहाँ पे पुष्कर कैमल फेस्टिवल में जो ट्रेडर्स होते हैं यानी कि जो कैमल्स को ख़रीदने और बेचने आते हैं, तो वो वहीं पर उसी ग्राउंड में कैमल ग्राउंड वाले में वहीं पर अपना टेंट लगा के रहते हैं, ठीक है। वहीं पे खाना बनाते हैं, सब कुछ वहीं पे करते हैं। तो गाइस, अराउंड जैसे ही आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जब शूट करने निकलोगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे सीन्स मिलेंगे जब वो हाथ सेक रहे होंगे अपने, जब वो खाना बना रहे होंगे इस तरीके के, मतलब लाइटनिंग का बहुत अच्छा आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सो गाइस, वहाँ पे आपको एक लेंस चाहिए यानी कि प्राइम लेंस चाहिए एक बड़े अपर्चर का, ताकि आपको लाइट ज़्यादा मिल सके और आप उस सिचुएशन में अपनी फोटोग्राफ क्लिक कर सके। पहला तो ये रीज़न हो गया प्राइम लेंस का। गाइस, दूसरा रीज़न है कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आपके पास प्राइम लेंस है और आपको कोई पोर्ट्रेट लेना है तो आपकी जो पोर्ट्रेट के इमेजेस हैं वो बहुत शार्प आएंगी और हमें एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, ताकि हमारी जो इमेजेस हैं वो और अच्छी लगें। जो आप अगर आप पोर्ट्रेट के शौकीन हैं, बेसिकली मतलब मैं ज़्यादा क्लिक नहीं करता हूँ मैं पोर्ट्रेट, बट स्टिल मैंने एक कॉमन पर्पस से ये वीडियो बनाया है ताकि सब इसके अंदर जो भी फोटोग्राफर जिस भी तरीके के हैं वो सब इसमें कवर हों। सो गाइज, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्राइम लेंस ज़रूर यूज़ करें, ताकि आप सनराइज़ से पहले और सनराइज़ के बाद बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे कलर्स देखने को मिलते हैं, सीन्स होते हैं, तो वो आप कैप्चर कर सकें अपने प्राइम लेंस के थ्रू। सो गाइज, जो मैं आपको सेकेंड लेंस रिकमेंड करूँगा वो मैं करूँगा आपको बेसिक किट लेंस वाइड एंगल, मतलब जो भी आपका, जैसे मेरे पास 18-55 है, कोई और के पास कोई और लेंसेज होते हैं यानी कि वाइड एंगल, हर फोटोग्राफर के पास अपने हिसाब से एक बेसिक लेंस होता है वाइड एंगल का। सो आप वो भी कैरी करें क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स होंगे, जो क्राउड है मतलब कैमल्स का वो गैदरिंग जो काफ़ी बड़ी होती है। सो आप अगर वाइड एंगल यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स अपने फोटोग्राफ में आप कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। सो गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक वाइड एंगल नॉर्मल व्यू मतलब वाइड एंगल लेंस भी आप कैरी करें, जैसे कि मैं 18-55 करने वाला हूँ, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पूरे फेस्टिवल के दौरान में। सो ये सेकेंड लेंस जो है 18-55 किट लेंस जो है, मतलब मैं जो करने वाला हूँ, और बाकी आपके हिसाब से अपना कोई भी वाइड एंगल एक नॉर्मल लेंस हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये भी अपने बैग में कैरी करें। सो गाइज, जो थर्ड लेंस है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी जूम लेंस। गाइज, मेरे पास नहीं है जूम लेंस, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास है तो डेफिनेटली कैरी करें एक जूम लेंस, बिकॉज गाइज पुष्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपके हर फ्रेम में एक फोटोग्राफर, मतलब सॉरी एक नहीं, पता नहीं कितने सारे फोटोग्राफर आएंगे ही आएंगे, मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ। तो गाइज, उस केसेस में दो सिचुएशन है कि अगर आप वाइड एंगल से क्लिक करते हैं तो आएंगे ही डेफिनेटली जो फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन अगर आप जूम लेंस से क्लिक करते हैं तो आप बहुत ही मतलब कोशिश करें कि टाइट फ्रेमिंग करके अपना मतलब मैनेज कर सकते हैं शॉट्स, अगर आप जूम के फ़ैन हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप एक जूम लेंस भी कैरी करें, ताकि आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स, अच्छे फोटोग्राफ मिले। और सबसे मेन जो है, मैंने ये जूम लेंस इसलिए रिकमेंड किया है ताकि आप फोटोग्राफर्स वाला पार्ट एलिमिनेट कर सकें, ताकि आपके फ्रेम में ज़्यादा फोटोग्राफर्स ना आए। गाइस, मतलब मेरे पास तो नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास है तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप जूम लेंस भी कैरी ज़रूर करें, क्योंकि गाइस जूम लेंस से भी आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहले तो एक तो आपका जो पैसा देना है, यानी कि जहाँ पे फोटोग्राफ खींचने के बाद पैसा देना पड़ता है, वो आपका बच सकता है, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपने फोटोग्राफ क्लिक कर लिया है या नहीं करी है, तो आप जूम लेंस से वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़,
फोटोग्राफर्स अवॉइड हो सकते हैं आपके फ्रेम में आने से, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक जूम लेंस भी कैरी करें। तो गाइज ये थे तीन लेंसेज जो आपको कैरी करने चाहिए, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पुष्कर जा रहे हैं तो इन तीन लेंसेज को ज़रूर कैरी करें। पहला प्राइम लेंस, दूसरा एक बेसिक कोई भी किट लेंस वाइड एंगल, और तीसरा एक जूम लेंस। गाइज मैं बोलूँगा अगर आपके पास जूम नहीं है तो स्टिल, अगर नहीं है तो उसे एलिमिनेट कर दें, लेकिन आप प्राइम और एक नॉर्मल वाइड एंगल ये तो डेफिनेटली आप कैरी करें, क्योंकि ये दोनों तो बहुत हेल्पफुल होने। प्राइम तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिकॉज हो सकता है आप प्राइम से आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं लो लाइट कंडीशन में, अगर आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं या आपको पोर्ट्रेट्स क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं बोलूँगा कि प्राइम लेंस और वाइड एंगल इन दोनों को तो परमानेंट रखें, बट अगर आपके पास जूम भी है तो अपना जूम भी कैरी करें। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।